Hello viewers, good morning to all of you viewers, maybe students and general persons also. Myself Krishna Avatar Pandey from SBN Inter College Narpat Khera Lucknow. आज अभी हम आपके समक्ष क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर का लेसन नंबर 5 बताने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखें जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विद पिक्चर। मैं आपको इंग्लिश की सेंटेंस पढ़ने के बाद उसका हिंदी वर्जन भी बताऊंगा, अतः आप ध्यान से देखें। द लेसन नेम इज द ऑनेस्ट फार्मर, एक ईमानदार किसान। वंस देयर वाज अ फार्मर, एक बार एक किसान था। ही लिव्ड इन अ विलेज, वो गांव में रहता था। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार था। वन डे ही वॉज कटिंग हिज क्रॉप विद हिज स्टिक, सिकल। एक दिन वह अपनी कुल्हाड़ी की सहायता से, सॉरी एक दरेती बोलते हैं, हंसिया बोलते हैं, उसकी सहायता से अपनी फसल काट रहा था। इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी का मौसम था। ही फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, उसने प्यास महसूस किया और पानी बुझाने के लिए, पानी की प्यास बुझाने के लिए वह नदी की ओर गया। हिज स्टिकल स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, तभी उसकी हंसिया जो थी वो उसके हाथ से स्लिप कर गई और फेल इन टू द रिवर, नदी में गिर गई। द फार्मर स्टार्टेड क्राइंग, तभी वो किसान रोने लगा। द रिवर गॉडेस हर्ड हिज क्राइज एंड केम आउट ऑफ द वाटर, तभी नदी की देवी ने उसकी आवाज़ को सुना और वो पानी से निकल कर बाहर आई। शी आस्क द फार्मर, उसने किसान से पूछा, अर्थात गॉडेस ने कहा, गॉडेस व्हाई आर यू क्राइंग, अर्थात किसान तुम क्यों रो रहे हो। तो फार्मर ने कहा, माय सिकल हैज फॉलन इनटू द रिवर, मेरी जो हंसिया है, जो दरेती है, वो नदी में गिर गई है। नाउ हाउ विल आई कट माय क्रॉप्स, अब मैं अपनी फसल कैसे काटूंगा। हाउ विल आई लिव, अब मैं कैसे जीवित रहूंगा, क्योंकि किसान का जो अस्त्र शस्त्र है वो उसके औजार ही होते हैं। हंसिया एक प्रकार से उसका औजार है, अगर वो खो जाएगा तो वो फसल कैसे काटेगा। इस बात को लेकर वो उदास था, इसीलिए रो रहा था। द रिवर गॉडेस वेंट इन टू द वॉटर एंड केम आउट विद अ गोल्ड सिकल, तभी नदी की देवी उस नदी में गई और पानी से एक सोने की दरेती लेकर बाहर निकली। गॉडेस, देवी ने कहा, इज दिस योर सिकल फार्मर, हे किसान क्या ये तुम्हारी हंसिया है। फार्मर ने कहा, नो नो दिस इज अ गोल्ड सिकल, नहीं 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 ये तो सोने की है। माई सिकल इज मेड ऑफ आयरन, मेरी जो हंसिया है, जो मेरी औजार है, वो तो लोहे की बनी है। द रिवर गॉडेस वेंट इन टू द वॉटर अगेन, नदी की देवी पुनः पानी में गई और शी केम आउट विद अ सिल्वर सिकल, इस बार वो चांदी की हंसिया लेकर बाहर निकली। गॉडेस ने कहा, इज दिस योर्स, क्या ये तुम्हारी है। फार्मर ने कहा, नो नो दिस इज अ सिल्वर सिकल, नहीं नहीं ये तो चांदी की हंसिया है। माई सिकल इज मेड ऑफ आयरन, मेरी तो हंसिया जो है, दरेती जो है, वो लोहे की बनी है। द रिवर गॉडेस वेंट इन टू द वॉटर, फिर से नदी की देवी पानी में प्रवेश कर गईं। शी केम आउट विद एन आयरन सिकल, और फिर वो इस बार एक लोहे की दरेती लेकर बाहर निकली। गॉडेस ने पूछा, इज दिस योर्स, क्या ये तुम्हारी है। फार्मर ने कहा, यस यस दिस इज माइन, हाँ हाँ यही तो है मेरी। गॉडेस, यू आर वेरी ऑनेस्ट, देवी ने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो। आई एम वेरी हैप्पी, इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आई विल रिवॉर्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, मैं आपको आपकी ईमानदारी के लिए आपको रिवॉर्ड दूंगी, अर्थात पुरस्कार दूंगी। शी गेव ऑल द थ्री गोल्ड सिल्वर एंड आयरन सिकल टू द फार्मर, देवी ने, अर्थात पानी की देवी ने उस किसान को वो तीनों हंसिया, अर्थात जो सोने की बनी थी, जो चांदी की बनी थी और जो उसकी अपनी खुद की लोहे की बनी थी, तीनों दे दी। द फार्मर बिकम वेरी हैप्पी,
इस तरह किसान जो है बहुत खुश हुआ। अब आप देखेंगे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं जिन्हें आप पिक्चर के द्वारा परमानेंट जब चाहे याद कर सकते हैं। सिकिल, हंसिया, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, आयरन, लोहा, स्लिप, फिसलना और गॉडेस देवी। फिर क्वेश्चन आंसर की बारी आती है। जैसा कि आप पाठ पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि व्हाट वॉज द फार्मर डूइंग मंडे, क्वेश्चन कहता है किसान एक दिन क्या कर रहा था, तो आपने जाना किसान एक दिन फसल काट रहा था, तो आप फट लिखते लिख सकते हैं द फार्मर वॉज कटिंग हिज क्रॉप वन डे। इसी प्रकार से व्हाट हैपेंड व्हेन ही वेंट टू द रिवर, तब क्या हुआ जब वो नदी पर गया, तो आपने जाना पाठ में पढ़ा था कि हिज सिकल स्लिप इन टू द रिवर, जब वो नदी पर गया था तो उसकी जो हंसिया थी वो नदी में गिर गई थी। हु केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर कौन निकला, अभी आपने जाना कि गॉडेस केम आउट ऑफ द वाटर, एक देवी पानी से बाहर निकली थी। Why was the farmer crying, किसान क्यों रो रहा था, भाई किसान रोएगा क्यों नहीं, उसका अपना एक अस्त्र हो गया था, उसका अपना औजार हो गया था, इसलिए रो रहा था। तो आप लिख सकते हैं द फार्मर वॉज क्राइंग बिकॉज हिज सिकल वॉज लॉस्ट। डिड द फार्मर टेक द गोल्ड एंड सिल्वर सिकल्स, क्या किसान ने चांदी की और सोने की हंसिया ली, तो आपने देखा है उसकी ईमानदारी आपके सामने आई, उसने उन दोनों को मना कर दिया क्योंकि वो कहता था कि उसकी तो हंसिया सोने की बनी है, लोहे की बनी है। तो आप इसमें कह सकते हैं नो द फार्मर डिड नॉट टेक द गोल्ड एंड सिल्वर सिकल्स। व्हाई वाज द रिवर गॉडेस प्लीज्ड, नदी की जो देवी थी वो खुश क्यों हुई, किसान की ईमानदारी से वो खुश हुई। इसी बात को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, द रिवर गॉडेस प्लीज्ड विद द फार्मर बिकॉज ही वॉज वेरी ऑनेस्ट। वॉट डिड द रिवर गॉडेस गिव हिम एज रिवॉर्ड, नदी की देवी ने किसान को पुरस्कार रूप में क्या दिया, तो आप लास्ट में लिखा है कि नदी की देवी ने तीनों हंसिया, वो गोल्ड की, सिल्वर की और आयरन की, उसने तीनों को किसान को दे दिया। तो आप लिख सकते हैं द रिवर गॉडेस गेव हिम ऑल थ्री सिकल्स मेड ऑफ गोल्ड, आयरन एंड सिल्वर। इस तरह से ये लेसन के बारे में क्वेश्चन आंसर के साथ फिनिश हो जाता है। फिर ये लेसन का वो हिस्सा जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होता है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ऊपर, वहाँ से चूज करके आपको लेसन फिल करना है, और ये एक प्रकार से लेसन के अंदर के का एक पैराग्राफ है, उसे आप अपने उस लेसन के द्वारा देखकर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं एक पिंक कलर की चार्ट बनी हुई है, इस चार्ट में 1, 2, 3, 4 पार्ट हैं, इन फोर पार्ट में पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में और चौथे पार्ट में कुछ वर्ड्स दिए हैं। अब ये देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स सेंटेंस बनेंगे, मैं बना के बताता हूँ आपको। द चेयर इज मेड ऑफ, अब चेयर किससे बनती है, चेयर बनती है वुड से, तो आप लिखेंगे द चेयर इज मेड ऑफ वुड। इसी प्रकार से द रिंग, रिंग यानी कि अंगूठी किससे बनती है, सिल्वर से भी और गोल्ड से भी, तो आप लिख सकते हैं द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, इसका सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह आपको बनाने सेंटेंस, ये आप जितना खूब से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। हमने आपको रास्ता बताया है, चलना काम आपका है, उसी तरफ आप चलते जाएंगे, सेंटेंस आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन जाएंगे, और ऐसे और दूसरे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।